करती हूँ। तो अभी मैं 1 बजे से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, दोपहर के 1 बजे, और मैं हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है। अब मैं जा रही हूँ अपना दवाई खाने के लिए। ये रहा एक गोला भर के मेरा दवाई, आप देख सकते हो इतना सारा दवाई है इसमें। अभी दवा खाना है मुझे। यहाँ मेरी बिटिया भी खा पी के लेटी, आज ना ही नहीं है। नहाओगी कब बताओ। गंदू गंदू होके बैठी हो तुम, कब नहाओगी? खाना खाई हो पता है, हम तो खिलाए हैं तुमको खाना। अब नहाई नहीं करोगे 10 मिनट बाद, ओके? अभी थोड़ा रेस्ट करो, खाना खाइए ना, उसके बाद नहाई नहीं करना। तो उसको भी नहाना है, उसको नहलाएंगे, दवा वा खा लूँ, तो अभी खाना खाइए, 10 मिनट बाद उसे नहलाऊंगी। कहीं और मैं बोली थी कल, मैं सब सब्जी बना रही थी रात को कि आप लोगों से कुछ बात करेंगे, और फिर ध्यान उतर गया, खाना वाना खा के सो गई, और फिर मेरा नींद खुला रात को 1:30 बज रहा था उस टाइम। क्या मैं जब नींद खुला तब मैंने बोला कि अल्लाह मैंने तो अभी तक वीडियो एंड ही नहीं किया, फिर मैं आधी नींद में उठ के वीडियो के एंड किया मैंने, और फिर सुबह उसे अपलोड किया, एडिट करके अपलोड कर दिया। तो आप लोग अपना ढेर सारा प्यार दीजिए अपनी वीडियोस पर, और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो अभी चल रही हूँ मैं दवा खाने के लिए गाइस, दवा खाना ज़रूरी है, आज देर हो गया दवा खाने में। एक्चुअली आज दूध था नहीं, बाबू स्कूल गया था, वरना मैं सुबह दूध मतलब कि दूध ही हॉर्लिक्स पी कर ही दवा खा लेती हूँ, बिस्किट खा के हॉर्लिक्स पी कर दवा खा लेती हूँ। आज दूध नहीं था इसलिए लेट हो गया, और ऐसे दवा खा नहीं सकते, सिर्फ बिस्किट खा के। काफ़ी पावर वाली दवा है सारी, तो इसीलिए आज मेरा 1 बज गया है। आप देख सकते हो घड़ी में 1 बज रहा है, मेरा घड़ी 20 मिनट फास्ट है क्योंकि बाबू स्कूल जाता है, इसीलिए मैं घड़ी थोड़ा सा 10-15-20 मिनट फास्ट ही रखती हूँ उसे उठाने के लिए। तो चलिए फटाफट से हम अपना दवा खा लेते हैं, और फिर मैं क्या करूँगी, इन्हें नहलाऊँगी, इनको नहलाना है, इनको नहलाना है। चलिए हम दवा खा के इसे नहला वहला के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइज गुड इवनिंग। तो शाम हो गई है, बाहर अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हो 7 बजने वाला है, और यहाँ बन रहा है शाम का नाश्ता, सबको करना था। तो यहाँ मैं आटे का हलवा बना रही हूँ, मेरे घर में आटे का हलवा सबको पसंद है, और यहाँ मेरी अपनी बेटी के लिए मैगी बना रही हूँ, आप देख सकते हो यहाँ उसका मैगी पक रहा है, और यहाँ हम हलवा बना रहे हैं, हम तीनों लोग हलवा खाएंगे और मेरी बेटी का मैगी है। तो शाम हुआ तो सबका फरमाइश हो गया है मम्मा नाश्ता, मेरी बेटी ने कहा मम्मा मैगी खाना है, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपको भी कुछ खाना है, तो उन्होंने बोला हलवा बना दो, मेरा बेटा ही बोला मम्मा मैं भी हलवा खाऊंगा, तो फिर इसलिए हम लोग अपना हलवा बना रहे हैं और मेरी बेटी के लिए मैगी बना रहे हैं। तो यहाँ फटाफट से बना लेते हैं और फिर सबको खाने के लिए देते हैं राइस। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, देखते तो पसीना कैसे चू रहा है, खड़ा पसीना चू रहा है। और धीमी आँच में मैं आटे को भून रही हूँ, एकदम धीमी आँच है क्योंकि तेज़ आँच में भूनूंगी तो आटा भुनाएगा नहीं, सिर्फ जल जाएगा। और मेरे हाथ के आटे का हलवा मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, एकदम चॉकलेट की तरह बनाती हूँ। चलिए फटाफट से बना लेती हूँ और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हम सबका नाश्ता तैयार है, आप देख सकते हो ये हम तीनों लोग का हलवा, मेरा है ये मेरे हस्बैंड का, ये मेरे बेटे का है, और ये मेरी बिटिया का मैगी, और मेरी बिटिया खाएगी इसमें से हलवा भी। तो चलिए फटाफट से सबको नाश्ता दे देते हैं। मेरे हलवा का कलर जो दिखता है बोलता है कि चॉकलेट वाले, चलो तुमको मैगी दे, बैठो नीचे, बैठो नीचे, स्टूल आगे कर, ऊपर बिल्कुल नहीं, ऊपर बिल्कुल नहीं, ये स्टूल इधर आइए, आप इधर आइए, नहीं खाओगी तो छोड़ दो, भैया खा लेगा तो मत बोलना, हम नीचे हो जाओ, बिस्तर हमको ठीक करना, नीचे बैठो जल्दी बैठो, चलो हमारा बच्चा ना खाओ, पापा भी आएंगे, भी नीचे बैठेंगे, पापा आ रहे हैं, चलो बैठो पापा भी। तो गाइस आप लोगों ने देखा मैंने नाश्ता बनाया था, और सबने नाश्ता कर लिया है, और अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में आज बना रही हूँ आलू दम, दम आलू बोलिए आलू दम बोलिए भी, इसके लिए मैंने आलू को काट के पानी में भिगा दिया है, वरना ऐसे रखने से आलू काला हो जाता है। प्याज व्याज मैंने काट लिया है, कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी मैं, अपना दिमाग लगाकर थोड़ा, तो चलती हूँ अपना दिमाग वाला दम आलू बनाने के लिए। चलिए आपको भी दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ दम आलू। बैठा दी है, और कढ़ाई में देख सकते हैं आप मैंने सरसों का तेल डाल लिया है। अब इसमें मैं 3-4 छोटी इलायची, 2 लौंग, और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा और जीरा ली हूँ,
से डाल दूँगी चटकने के लिए। तो गाइस मैंने इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है और जो कि बहुत ही चटक रहा है। अब हम इसमें ये देखिए मैंने ये प्लेट में प्याज काट के रखा है, सारे प्याज को डाल दूँगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालते तेल एकदम चटकने लगा। अब हम इसे हल्का सा भूनेंगे, एकदम लाल नहीं करेंगे। आलू डाल के इसमें धीमी आंच में मैं कसूंगी तो उसमें होगा, इसमें ज़्यादा प्याज लाल नहीं करते हम। तो अभी इसमें आधा मतलब कि थोड़ा सा प्याज पकने देंगे, फिर इसमें आलू और बाकी के मसाले साथ में ऐड कर दूँगी मैं। तो चलिए इसे हल्के थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक इसे पका लेती हूँ। देखिए तो हल्का सा प्याज को मैंने इस कलर में ला के फिर आलू डाल दिया है। आलू को अच्छे से इसमें चला लूँगी और फिर सारे मसाले मैं इसमें डालूँगी। आप देख सकते हैं एक तरफ मैंने दूध बैठाया है गर्म होने को, फलने के लिए दूध अभी आया है तो फलेगा। तो चलिए फटाफट से मैं इसे थोड़ा सा भून लूँगी आलू को प्याज के साथ, तो फिर सारे मसाले ऐड करूँगी। तो हमारा आलू भी हम मैंने इसमें भून लिया है। अब ये सारे मसाला डालूँगी, आपको बताती क्या है। ये गरम मसाला है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखा मिर्च है, ये हल्दी पाउडर है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी सारे मसाले और सारे डाल के अच्छे से मैं भून लूँगी। बाबू ये पानी गिरा कि इसमें पानी देना मुझे, जल्दी दो जल्दी दो। सारे मसाले डाल के भूनूंगी, पानी दो उसमें नहीं है, आरो में से दो। तो मैंने इसे पानी और नमक दोनों डाल लिया, आप देख सकते हो। अब इसे अच्छे से मैं इसे भूनूंगी जब तक हमारा मसाला अच्छे से भून नहीं जाता। इसे भूनूंगी, भून कर फिर पानी डालकर धीमी आंच में से ढकूंगी और धीमी आंच में इसे पकाऊंगी। और जैसे कि हमारा प्याज और हमारा मसाला सब कुछ अच्छे से भुना जाएगा, गल जाएगा प्याज वगैरह, आप देख सकते हो। अब मैं इसे थोड़े देर के लिए ऐसे ही भूनूंगी जब तक हमारे मसाले तेल नहीं छोड़ देते। मैंने मसाला भून के इसमें पानी डाल दिया। अब मैं इसे धीमी आंच में, देखिए भी अच्छे से, तो इसे एकदम धीमी आंच में मैं पकाऊंगी। धीमी आंच में ही पकेगा, हमारा सारा प्याज वगैरह सब अच्छे से गल जाएगा। तो इसे ढक देते हैं और थोड़े देर में खोल खोल के मैं इसे चलाती रहूँगी। और यहाँ मेरा दूध भी उबाल आ चुका है, गैस भी मैंने बंद कर दिया दूध का। तो चलिए अब सब्ज़ी होने के इंतज़ार करते हैं, सब्ज़ी होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं कूलर के पास आके बैठी हूँ, आपको आवाज़ शायद सुनाई ना दे क्लियर, क्योंकि कूलर चल रहा है। कूलर के पास बैठी हूँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस। आज बाल भी धुला, मैंने तेल नहीं लगाया, तेल नहीं लगाऊंगी। अब मंडे को रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के रात भी तेल लगाऊंगी मैं एक बार, और बाल धुला होगा संडे को धुलूँगी कि मंडे को तो बाल धुलूँगी नहीं। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही गाइस, तो चलिए पहले हम गर्मी। अब वहाँ मेरी बिटिया मेरा सारा नेल पॉलिश लेके बैठ गई है, बदमाशी कर रही हैं, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता। मेरा बिंदी भी गिर चुका पसीना से। तो चलिए आप ऐसे मेरे वीडियो भी बने रहिए, सब्ज़ी बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस मेरा सब्ज़ी बन गया है, चलिए आपको मैं सब्ज़ी दिखाती हूँ, हमको सब्ज़ी दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा सब्ज़ी बन के तैयार है और इसका रंगत देखिए, कलर कितना अच्छा लग रहा है। आपको फ़ोन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा नहीं पता, लेकिन हमारा सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा है। और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, आप लोग भी ऐसे बनाइए। और मैंने प्याज को मैश नहीं किया, प्याज हमारा गल गया है कि मैंने प्याज को मैश नहीं किया, क्योंकि ये खड़ा प्याज ऐसे खाने से ना जब रोटी की वे आता है बहुत ही इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। ढक के रख देती हूँ, बस इसे रोटी के साथ खाना है। अब इसे रोटी के साथ खाना है, गर्मा गर्म रोटी बनेगी और रोटी के साथ हम खाएँगे। तो चलिए अब इंतजार करते कब रोटी बनेगा कब हम खाएँगे। हम बना नहीं सकते वरना मैं कब का बना दी होती। सब्ज़ी तो जैसे तैसे खड़ा होकर बैठ के बना देती हूँ, मसाला भूनती हूँ बैठ जाती हूँ, मसाला भूनती हूँ बैठ जाती हूँ। तो चलिए अब रोटी बनेगा, मेरे हस्बैंड जी आएंगे तो वो रोटी बनाएंगे, तो फिर हम लोग खाना खाएंगे, उनका इंतज़ार किया जाए। तो आज मिलते हैं आपको खाने के साथ। गाइस मेरा खाना बन के तैयार है, आलूदम रोटी, तो मैं जा रही हूँ खाने के लिए। क्या हुआ तुमको भी खाना है? चलिए खाते हैं गर्मा गर्म रोटी और आलूदम। तो गाइस हम लोगों ने खाना पीना खा लिया और मैं मुँह धोकर आ रही हूँ ठंडे पानी से। आज गर्मी इतनी ज़्यादा कि फेस चिपचिप हो रही है और हम सोने जा रहे हैं, तो गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा है।
चलते हैं, अपन सोने चलते हैं, तब मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, सो जाते सब, बाय बाय।